सिंह परमार की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 1200 सीट पर भाजपा बदल सकती है अपना प्रत्याशी। एससी के लिए रिजर्व सीट से सारिका सिंह को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन सारिका के पास एससी का मान्य जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने की अब जानकारी सामने आई। और सारिका की ओर से एससी का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 12 कलेक्ट्रेट में आवेदन चूंकि किया गया, लेकिन आवेदन को योग्य नहीं मानते हुए उनका आवेदन निरस्त हो चुका है। और इस पूरे घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में हड़कंप भी मचा। सूत्रों के अनुसार पार्टी 1200 सीट पर अब नए उम्मीदवार को ढूंढ रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस समस्या से कैसे निपटा जाए इस पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है। शिवेंद्र हमारे साथ खुद बने हुए हैं। शिवेंद्र, ये बड़ी हलचल है क्योंकि पहले एक नाम का घोषित हो जाना, लेकिन जिस सर्कमस्टांसेस में नाम घोषित हुआ उसके लिए केपेबल ही नहीं माना जाना, और उसके बाद अब बदलाव, क्या पूरी जानकारी? ये बहुत रोचक खबर है जैसी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने की मशीनरी माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी फूक फूक कर कदम रखती है, कई स्तर पर सर्वे होता है, उसके बाद उम्मीदवार का चयन होता है। लेकिन ये संभवतः पहली बार हमें ऐसा दिखाई दे रहा है चुनाव में कि जिस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस किया 1200 सीट से, जिनका नाम सारिका है, उनके पास जाति प्रमाण पत्र ही नहीं है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और वो अपना नामांकन कल करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उनके पास वैलिड जाति प्रमाण पत्र नहीं था, इसलिए कल उनका नामांकन नहीं हो पाया। उस 12 के कलेक्टर से मेरी बातचीत हुई थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा कि हमको आवेदन मिला था सारिका का, जिसमें उन्होंने एससी का जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आवेदन किया था, लेकिन क्योंकि वो इसके लिए पात्र नहीं थी। और उसका कारण ये बताया जा रहा है जैसी कि ये जो महिला है सारिका, जो बीजेपी की उम्मीदवार है, ये एमपी की रहने वाली है, इसलिए इनका जाति प्रमाण पत्र राजस्थान से नहीं बन सकता, जैसी हमें जानकारी मिल रही है। तो अब क्योंकि एससी की सीट है, और अगर आपके पास एससी का जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप उम्मीदवार नहीं हो सकते, आप फॉर्म नहीं भर सकते, तो भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप की स्थिति है। और जैसी जानकारी मुझे मिली है कि जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, उसने कड़ी नाराजगी जताई है इसको लेकर, क्योंकि फजीहत की स्थिति है कि आप एक उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं विधायक के लिए विधानसभा सीट से, उनके पास अगर जाति का ही प्रमाण पत्र नहीं है, रिजर्व कैटेगरी की सीट है, तो इससे बड़ी फजीहत किसी भी पार्टी की नहीं हो सकती। बिल्कुल शुभेंद्र, ठीक कह रहे हो, और हड़कम तो बजना लाजमी ही था, लेकिन अब एक नए उम्मीदवार को खोजा जा रहा है। और दूसरी ओर ये एक टास्क भी पार्टी के सामने की जो समस्या है, जो फजीहत है, इससे कैसे निपटा जाए इस पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंद्र इस पूरी अपडेट के लिए, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।